हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन सर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। आइए देखते हैं पहला डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर कॉनकेव मिरर। विद्यार्थी, ये यहां पे कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये आपका पोल है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आपका ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये सी वाला लाइन जो है आपका खींचा गया है ये नॉर्मल है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे हम लेते हैं और यहां मिरर से टकराता है और नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उतना एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर काटता है वहां पर इमेज बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं, जो इमेज एंगल बनाता है वो बीटा हम लोग लेते हैं और सी वाला जो एंगल बनाता है उसे गामा मानते हैं। तो इस मिरर का विद्यार्थी अपर्चर बहुत छोटा होता है, मतलब ये स्फीयर से बना होता है तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट काटते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट काटते हैं तो लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा ही ये होता है। इसका अपर्चर बहुत छोटा होता है या और भी छोटा काटते हैं, आप समझिए इस टाइप से काटते हैं तो लगभग सीधा जैसा ही मिलता है। ये अपर्चर बहुत छोटा होने के कारण जो है विद्यार्थी, जब यम पॉइंट से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये पी डैश पी के क्या होता है, बहुत समीप होता है। आपको बोर्ड पर भले ही दिख रहा हो कि इनके बीच का दूरी ज्यादा है लेकिन वास्तव में पी डैश पॉइंट पी के बहुत समीप होता है। सभी डिस्टेंस जो होगा पोल से मेजर करेंगे और यहाँ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सभी निगेटिव लिया गया है। तो पोल से इमेज माइनस वी हो जाएगा और पोल से सी का डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है। इतना यहां क्लियर है। तो अब विद्यार्थी यहां आगे देखा जाए, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो एक कांसेप्ट यहां देखा जाए विद्यार्थी, अगर एंगल बहुत छोटा है जैसा कि यहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटे एंगल के लिए अल्फा के स्थान पे हम लोग टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो जैसे बहुत छोटा एंगल रहता है तो कॉस थीटा को वन मान लेते हैं, लगभग टेन जी टू जीरो ये होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बहुत छोटे एंगल के लिए कितना लिया जाता है, वन, जबकि साइन थीटा हुआ टेन थीटा हुआ ये जो है बहुत छोटे एंगल के लिए थीटा के इक्वल होता है, ध्यान दें। तो इतना कांसेप्ट आपको विद्यार्थी दिमाग में लेना पड़ेगा यहां पे कि थीटा टेंज टू क्या जीरो, मतलब थीटा बहुत छोटा एंगल हो तो ऐसी दशा में साइन थीटा हो तो उसके स्थान पे थीटा लिख सकते हैं या थीटा के स्थान पे साइन थीटा लिख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं या थीटा के स्थान पर जरूरत पड़े तो टेन थीटा ले सकते हैं। अगर वो चीज कास में है तो का बहुत छोटे एंगल के लिए कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो अब देखा जाए अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो टेन अल्फा यहां देख लिया जाए, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर को हम एम पी डैश को एच यहां मान लिए हैं तो एच ही केवल प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो एम पी डैश भी प्रयोग कर सकते हैं या एम पी प्रयोग कर सकते हैं वो भी चलेगा। तो एच अपॉन माइनस यू हो गया, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन ये डिस्टेंस वो है माइनस वी और गामा इज इक्वल टू टेन गामा तो एच अपॉन आर हो गया, एच अपॉन इतना डिस्टेंस ये आर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, अल्फा बीटा गामा ये तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल सी एम ओ, सी एम ओ एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट वाला ट्रेंगल लेंगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज वाला ट्रेंगल लेंगे,
यस। तो इस ट्रेंगल में हम देख रहे हैं फ्रॉम सी एम ओ में ये हमारा गामा जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल दूर के दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे होगा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, तो यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू है गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। अब अगला ट्रेंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रेंगल सी एम आई, सी एम आई तो यहां भी एक्सटर्नल एंगल है बीटा और दो इंटरनल एंगल है दूर वाले थीटा और गामा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस थीटा, तो यहां से भी थीटा हम अलग कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा, इक्वेशन टू नाम दे दिए विद्यार्थी। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो ये इधर भी गामा है तो गामा को इधर करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो टू गामा हो जाएगा और अल्फा उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ रहा है टू गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन थर्ड। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा हम निकाल चुके हैं तो वो इसमें रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में हम रखते हैं, तो टू गामा के स्थान पर लिखेंगे एच अपान माइनस आर, यहां लिखा गया है, इज इक्वल टू अल्फा के स्थान लिखेंगे एच अपान माइनस यू प्लस बीटा के स्थान लिखेंगे एच अपान माइनस वी, तो एच दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। अब इस टू को हम नीचे लिख सकते हैं आर बाय टू और माइनस वी दोनों तरफ है, दोनों तरफ माइनस से प्रोडक्ट कर दें तो सभी प्लस हो जा रहा है, यस। तो ये आर बाय टू किसका वैल्यू है, ये है एफ का, तो मिरर फार्मूला आपका आ गया वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय विद्यार्थी यू वी और एफ का मान जो है हम विद साइन रखेंगे, तो एक डेरिवेशन हमारा है विद्यार्थी कंप्लीट होता है, इसके बाद यही डेरिवेशन फिर करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला डेरिवेशन देखा जाए, रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो विद्यार्थी ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल खींचा गया है, ये इधर है और यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे जाती है, यस, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आगे की ओर बढ़ जाती है और पीछे मिलाने पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर इमेज बन जाता है। तो ध्यान दें, तो ये जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वाला बनाता है रिफ्लेक्ट वाला भी उतना ही एंगल बनाता है, यस, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहां भी कहा जाएगा कि जो आपका मिरर है इसका एपर्चर बहुत छोटा होता है, तो छोटा होने की वजह से ये पी डैश पॉइंट पी के आप समीप ही मान सकते हैं, यस। तो अभी इसका हाइट हम एच ही लिए हैं, तो यहां भी है कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा लेते हैं, इमेज के लिए बीटा लेते हैं और सी के लिए गामा लेते हैं, यस। और पोल से हर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव लिखा गया है और बाकी इमेज वाला और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसीलिए इसे हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। और फिर वही कंसेप्ट विद्यार्थी, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन, तो देन फिर अल्फा इजक्वल टू क्या लिखा जाएगा, टेन अल्फा बीटा इजक्वल टू टेन बीटा, गामा इजक्वल टू टेन गामा, ये चीज लिखना है। तो अल्फा इज इक्वल टू है टेन अल्फा और फिगर से टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू। टेन बीटा देखा जाए तो टेन बीटा में ये ट्रेंगल आपका आ जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना लिया जाएगा वी, इमेज का पोल से जो डिस्टेंस है विद्यार्थी वो वी है।
आप इसके चक्कर मत पड़िए पी डैश पॉइंट पी के समीप नहीं है, एकदम पी पर ही मानकर चलिए पी डैश पॉइंट को। तो गामा इज इक्वल टू टेन गामा, और गामा इज इक्वल टू है ये एच अपान कितना आर। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं फ्रॉम ट्रेंगल ओएमसी, एक बार ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ट्रेंगल लेते हैं, एक बार इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ट्रेंगल लेते हैं। यस, तो ओएमसी के लिए देखा जाए, ओएमसी में ये वाला जो एंगल है आपका वो एक्सटर्नल एंगल है और दूर के दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू यहां से आ गया अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यस, अब यहां पे देखा जाए जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, तो ये देखिए यहां पे और ये भी क्या है इन फ्रंट वाला एंगल है, तो वो भी कितना होगा उतना ही होगा। ये देखिए इस टाइप से जो काटेंगे तो ये जितना एंगल है उतना एंगल इधर होगा, ये थीटा है तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। अब की बार ट्रेंगल लेना है फ्रंट एंगल आईएमसी, आईएमसी ये वाला ट्रेंगल लेंगे, तो अब की बार एक्सटर्नल एंगल बीटा है और दूर के दो इंटरनल एंगल थीटा और गामा के सम के इक्वल होगा। तो यहां से लिखा है बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, यहां से हम लोग थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, इक्वेशन सेकंड कर दिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इक्वल हम कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, गामा को इस तरफ ले जाएंगे तो टू गामा हो गया, बीटा अपने स्थान पे रहेगा, अल्फा को इस तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब टू गामा इज इक्वल टू आ रहा है बीटा माइनस अल्फा, इसका नाम दे दिए इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन थर्ड, जो अल्फा बीटा गामा वैल्यू हमने फाइंड किया है वो इक्वेशन थर्ड में हम रखते हैं। तो टू गामा के स्थान पे एच अपान आर, देखिए एच अपान आर ये रखा है, बीटा के स्थान पे एच अपान वी यहां पे रखा है, माइनस अपने स्थान पे अल्फा इज इक्वल टू एच अपान माइनस यू, जो आया वो हमने वैल्यू रख दिया। अब यहां देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, एच दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, इस टू को नीचे ले आया तो आर बाई टू हो गया और एफ इजल टू क्या होता है आर बाई टू, तो यहां आया वन अपान एफ इजल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। तो ध्यान दें तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो दोनों के लिए मिरर फार्मूला एक ही होता है। हाँ विद्यार्थी ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ, नोट देख लिया जाए, नोट में ये कहा है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा निगेटिव होगा और रियल इमेज के लिए वी निगेटिव होगा। यस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होगा। तो जिनको इमेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारा रे ऑप्टिक्स का पहला वीडियो देखें, उसमें केवल रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है, बहुत गहरा कंसेप्ट दिया गया है, जिनका क्लियर ना हो वहां से वो क्लियर कर ले। यस, तो हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट देते हैं। हाँ विद्यार्थी आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कहा जाए या लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाए, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज एच आई लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ लिखते हैं, आई इमेज ओ ऑब्जेक्ट, ध्यान दें। तो ये रहा इसका डिफिनेशन, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। हम लोग जो फार्मूला जानते हैं स्मॉल एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं प्रूफ। ध्यान दें ये कॉनकेव मिरर है आपका, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, यहां से एक रे पैरेलल लेते हैं, जो पैरेलल रे जाती है रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर गुजरती है,
इमेज बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है, एक रे लेते हैं पोल से होके जाती है, ए से ये पोल पे गया, पोल से टकरा कर वापस आया, जितना एंगल ये है उतना एंगल ए होता है। तो ऐसी दशा में ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस जो है यहाँ पे नॉर्मल का कार्य करता है। यस, तो चाहे ये करिए चाहे तो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप फोकस से रे ले जाइए, ये वाली रे जो आप ले गए हैं एपी वो फोकस से होकर ले जाइए। फोकस से होकर जाने वाली किरणें, जब फोकस से होकर जाने वाली रे मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट जब होगी वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल होके जहां पर इस फोकस से होकर जाने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वहां पर आपका इमेज बन जाएगा। यहां भी दर्जी देखा जाए ट्रिंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रिंगल ए बी पी, ये सिमिलर ट्रिंगल बन रहा है। देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये बराबर है, ये दोनों 90 है, तो तीसरा एंगल भी बराबर है, तीनों एंगल इक्वल होने की वजह से ये सिमिलर ट्रिंगल हो गए। इन सिमिलर ट्रिंगल ए बी पी एंड ट्रिंगल ए डैश बी डैश पी, तो यहां देखें हाइट, इसका हाइट अपान इसका हाइट, तो ए डैश बी डैश अपान ए बी, इस ट्रिंगल का बेस पी बी डैश अपान इस ट्रिंगल का बेस पी बी। अब वैल्यू को रखते हैं, ए डैश बी डैश एच आई है, ये निगेटिव रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होने की वजह से, क्या लिया जाएगा निगेटिव, और ए डैश बी डैश एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने की वजह से वो पॉजिटिव लिया जाएगा। पी बी डैश ये लिया जाएगा माइनस वी और पी बी ये लिया जाएगा माइनस यू, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया है। यस, तो यहां से देखें ये दोनों निगेटिव प्लस हो जाएंगे, तो ये वाला निगेटिव रह जाएगा, तो दोनों तरफ अगर हम निगेटिव से प्रोडक्ट कर दें तो ये एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू हो गया। एच आई अपान एच ओ क्या है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू आई एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो इतना विद्यार्थी आ गया, लेकिन आपका यही है, लेकिन और भी देख लिया जाए कॉन्सेप्ट, द मिरर फार्मूला इज वन अपान वी प्लस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ। तो इस फार्मूले में विद्यार्थी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वी वी है, इसमें दोनों तरफ वी से प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए वी अपान वी, तो वी अपान यू वी अपान एफ हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे आया वन, ये वी अपान यू है, ये वी अपान एफ है, तो वी अपान यू को उस तरफ कर देते हैं ताकि ये माइनस आ जाए। अब आइए यहां पे आप, तो ये हो गया वन माइनस वी अपान एफ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यस, तो यहां पे माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे एफ, तो एफ माइनस वी अपान एफ आ जाएगा, तो यहां आ गया, इसे इक्वेशन वन नाम दे दीजिए। फिर इसी मिरर फार्मूले में हम लोग जो है यू से प्रोडक्ट कर दिए दोनों तरफ, तो जब यू से प्रोडक्ट कर देंगे तो यू अपान वी यू अपान यू U अपान एफ आया, तो यहां से हो गया U अपान वी प्लस वन इज इक्वल टू U अपान एफ। तो ये चीज निगेटिव करना है तो इसको फिर उस साइड ले जाते हैं, तो यहां देखिए वन माइनस U अपान एफ इज इक्वल टू माइनस U अपान वी, यही माइनस U अपान वी इज इक्वल टू आया, इसका एलसीएम लेंगे तो F माइनस U अपान एफ, तो F माइनस U अपान एफ। लेकिन मेन फार्मूला जो हमको चाहिए, हमें माइनस वी अपान यू जैसा चाहिए, तो हम पलट लेते हैं, आर माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिए। देखिए माइनस वी अपान यू ये भी है, माइनस वी अपान यू ये भी आया है, तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपान एफ, यहां से देखा जाए इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू। तो इस फार्मूले का हम न्यूमेरिकल में लाभ लेंगे, इसकी वजह से शायद हमें बहुत जल्दी से आंसर मिल जाए, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। हाँ, नोट में देख लिया जाए विद्यार्थी, मैग्निफिकेशन और इमेज की बात हो रही है। देखिए मैग्निफिकेशन अगर वन से बड़ा है, वन से बड़ा है, अगर यम की वैल्यू जैसे दे दे थ्री,
m की वैल्यू 3 दे दिया है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज का लेंथ है, जो इमेज की हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ज्यादा है। यस, इनलार्ज्ड है, ये लिखा है यहां पे, 3 टाइम्स ज्यादा है। यस, और अगर ये वैल्यू 1 से छोटा है, स्मॉल m इक्वल टू जैसे 1/2 दे दे, ये मार मतलब ये पॉजिटिव लिया गया है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज वाली हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, छोटी है, ये बता रहा है यहां पे। तो आपका ये मतलब ध्यान दे, ये डिमिनिशेड कहा जाता है इसको। अब आगे कह रहा है यदि m इज लेस देन 0, तो m इज लेस देन 0 का मतलब m इज इक्वल टू जैसे -1/2 ले लिया जाए, m इज लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा तो नेगेटिव ही हो सकता है, तो -1/2 जैसे आपने ले लिया -1/2। अब ये बाकी ये कांसेप्ट तो लगेगा ही, 1/2 ये दर्शा रहा है कि इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज जो है उल्टा बनेगा, इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, नेगेटिव साइन दर्शा रहा है कि इमेज उल्टा बनेगा। अगर m नेगेटिव आ गया विद्यार्थी, तो पहला काम तो इमेज उल्टा बनेगा। अगला देखिए, m इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब हो जाएगा +1/2 ले लीजिए, यही चीजें ले लीजिए, ग्रेटर देन 0 में प्लस, अब ये प्लस हो गया तो जाहिर प्लस ये दर्शाता है कि इमेज आपका सीधा बनेगा, लेकिन चूंकि ये वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो जाहिर है कि इमेज का लेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ से छोटा होगा। यस, और अगर यहां पे 3/2 लिख दें तब क्या होगा, पॉजिटिव होने की वजह से इमेज सीधा बनेगा, लेकिन ये इमेज जो की हाइट जो है, इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगा, ये दर्शा रहा है। तो इसका विद्यार्थी यहां पे मतलब है, ये चीज आप समझेंगे। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल में जब उपयोग करेंगे तो ये कंसेप्ट हमारा और क्लियर होगा। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो केवल न्यूमेरिकल के लिए होगा। तो विद्यार्थी आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।